अब जब मैं बात सुपर हीरो की करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद मार्वल या डीसी की कोई मूवी आती होगी, पर आज मैं आपको ऐसे शो के बारे में बताऊंगा जो कि सुपर हीरो के मामले में मार्वल या डीसी दोनों को पीछे छोड़ देता है। अब मैं बात कराऊँ द बॉयज की, जिसके टोटल 3 सीजन आ चुका है और एक स्पिन ऑफ भी आया है जिसका नाम है जेनवी। अब मैं बताऊंगा कि द बॉयज मार्वल या डीसी की कुछ मूवीज से काफी बेहतर क्यों है। जहां पे हमने 2012 में द एवेंजर्स में जो मार्वल देखा था वो काफ़ी अलग था, जहाँ पे हमें सुपर हीरो देख के एक एक्साइटमेंट होती थी और एक मज़ा आ रहा था कि वाह क्या सुपर हीरो है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे हमारे थिंकिंग लेवल भी बढ़ते गए और आज हम काफ़ी सारी सीरीज़ में देख सकते हैं कि एडल्ट कंटेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। पर हमें जानना है कि क्या हो अगर सुपर हीरो जॉनरा में एक एडल्ट कंटेंट आ जाए। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट के साथ ये सीरीज आती है और ये शो एक एडल्ट सुपर हीरो शो के साथ साथ एक बहुत अच्छी पॉलिटिक्स और एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन लेके चलता है, जिसे देख के आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है। अब सीरीज की स्टोरी काफी सिंपल है, जहाँ पे एक कंपनी है जो सुपर हीरो को मैनेज करती है और ये कंपनी सुपर हीरो को वहां भेजती है जहाँ उनकी जरूरत होती है। पर ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, सुपर हीरो एक पीआर पे चलते हैं जिससे उनके सोशल मीडिया हो गए, उनकी लाइव परफॉर्मेंस हो गई और उनके इंटरव्यू के चलते उनकी एक इमेज बनती है पब्लिक में और उससे ऊपर से एक पीआर बनता है और उस पीआर के ऊपर से सुपर हीरो को सिलेक्ट किया जाता है। कौन सा सुपर हीरो बड़ा है, कौन सा सुपर हीरो छोटा है, वो इस पीआर के ऊपर से जज होता है। अब ये सुपर हीरो एक मुखौटा पहन के चलते हैं जहाँ पे पब्लिक की नज़र में कुछ और असलियत में कुछ और, वैसा ही कुछ करते हैं। जहाँ पे इन सुपर हीरो की मंडली को हराने के लिए एक ह्यूमंस की मंडली निकलती है और वो उन्हें काफ़ी बार हरा भी देती है, जो कि देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्वल ने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया था, मार्वल ने भी कुछ ऐसा ट्राई किया था, जैसे वो डेडपूल 1 और 2 लाए और हाल ही में डेडपूल 3 आ रही है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी जाएगी। द बॉयज मार्वल या डीसी में काफ़ी मामलों में बेहतर हो जाता है, जहाँ पे वो एडल्ट कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करता है और उसकी पॉलिटिक्स भी काफ़ी अच्छी है। और हाँ, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने ये सीरीज़ देखी और उसके बाद आपको इस बंदे से डर ना लगने लगे तो ठीक है, जहाँ पे इसका सीज़न 4 कुछ ही समय में आने वाला है तो जल्दी से आप ये 3 सीज़न देख लीजिए, उसके बाद आपको सीज़न 4 देखने में मज़ा ही आ जाएगा। अब बस आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा सुपर हीरो शो देखना है एडल्ट कंटेंट के साथ तो आप ये वाला शो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको जानना है कि डेडपूल 3 का ट्रेलर कैसा है तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाय।